हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मोनिका से ब्लॉग से। तो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ तीज स्पेशल मेकअप लुक, जो कि अभी हरी तारीख का तीज आने वाला है। तो जो नए नए वाली दुल्हन है वो इस तरीके से मेकअप कर सकती हैं और बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो गाइस, बहुत ही सिंपल सा और इजी सा मेकअप आप शेयर करने वाली हूँ मैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तो मैं तो चालू करती हूँ। तो सबसे पहले लेना आपको रोस्ट वाटर या टोनर जो भी आपके पास है, उसे आपको अच्छी तरह से आपके फेस पर स्प्रे करके उसे अच्छे तरह से एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। तो मैंने, आप कोई सा भी ले सकते हैं या फिर गुलाब जल है या फिर वो भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, आपको जो फेस है उसे अच्छे से मतलब क्लीन होता है। फिर उसके बाद आपको लगाना है, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप सनस्क्रीन और एलोवेरा जेल को मिला के आप प्राइमर बना सकते हैं। तो मैंने अभी प्राइमर की जगह मैंने यही ले लिया, एक सनस्क्रीन लोटस का और एलोवेरा जेल VLCC का है। तो मैंने उसे मिक्स करके अपना फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो आपको इस तरीके से अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जो प्राइमर का काम ही करेगा और आपके मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा बेस रहता है ये। तो फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। तो गाइस, मेरे पास फाउंडेशन है, बहुत पहले मैं ली थी, यूज़ करती हूँ, यही फाउंडेशन है डेली यूज़ के लिए। यूज़ कर सकते हैं आप, रिवॉल का है, ये ट्यूब वाला फाउंडेशन है, अच्छा फाउंडेशन है। मैं इसे हमेशा ट्राई कर चुकी हूँ तो अच्छा फाउंडेशन है। देखो, मैं इसे पूरा अच्छे फेस पर पूरा अच्छे से लगा दूँगी डैप 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 करके, और फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ऐसे पूरा अच्छे से पूरा ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे। और नेक पे भी लगाना है, फाउंडेशन लगाए तो पूरे नेक पे भी लगाना जरूरी है गाइस, नहीं तो आपका फेस तो अच्छा लगेगा लेकिन जो नेक है वो काला दिखेगा, इसलिए पूरा फेस पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नई नवेली जो दुल्हन है उनका पहला तीज है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सिंपल सा इजी मेकअप मैं शेयर कर रही हूँ हरी तारीख का तीज के लिए गाइस। तो अभी मैं आईब्रो को सेट कर लूँगी। तो मेरे पास जो आईब्रो का पेंसिल है ब्लू हेवन का, वही है, उसी से मैं सेट कर लूँगी अच्छे से। तो गाइस देखिए, अभी थोड़ा सा मैं थ्रेडिंग बनवाई भी नहीं हूँ, वैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वो थोड़ा सा पार्लर भी इतना है नहीं यहाँ पे, तो मैं भी बनाई नहीं हूँ। जब पहले आईब्रो जाती हूँ तभी बनाती हूँ, मैं यहाँ नहीं बनवाती हूँ। तो अभी देखो, मैं थोड़ा थ्रेडिंग बढ़ भी चुका है। अभी मैं लगा रही हूँ कंसीलर, आपको जहाँ जहाँ ब्लैक हेयर्स है या जहाँ डार्क सर्कल है वहाँ वहाँ पर आप लगा सकते हैं। और आँखों पे आईज़ मेकअप करने से पहले कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसीलर लगाएंगे तभी जो आपका आईज़ मेकअप है, जो आई शैडो लगेगा, अच्छे से ब्लेंड होगा और अच्छा लुक आएगा। तो इसके बाद आप इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से कैसे आपको ब्लेंड कर लेना है। तो गाइस, आपको मैं बहुत ही सिंपल सा बता रही हूँ, और ये है लैक्मे का मेरा जो फेस पाउडर है कॉम्पैक्ट, जो हमेशा डेली आप हमेशा सबके पास होता है ये लैक्मे को कॉम्पैक्ट, ये कि बेस्ट चॉइस है यही लैक्मे को कॉम्पैक्ट। तो मैं लैक्मे का ही कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, अदर तो यूज़ नहीं करती हूँ कॉम्पैक्ट को। तो फिर तो इसे अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे और जितने भी फिनिशिंग के लिए आप। फिर अब आई शैडो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, इसे ग्लिटर वाला आई शैडो है, इसमें 3-4 ही कलर है देखिए। तो मैं 2-3 कलर लगाने वाली हूँ, पिंक, ब्राउन और ब्लू। तो सबसे पहले मैं ब्राउन लगाने वाली हूँ, ब्राउन के बाद फिर पिंक लगाऊंगी, पिंक के बाद फिर आधा ब्लू लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं 3 साइड में यूज़ कर रही हूँ, कि मेरी साड़ी पे है तो इसलिए मैं थोड़ा सिमर वाला ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरा हैवी साड़ी है थोड़ा सा, तो मैंने उसके लिए सिमर वाला ही यूज़ किया है आई शैडो पैलेट। आप लोग देख सकते हैं, इसे आपको आई शैडो ब्रश की सहायता से आपको अच्छे से आपको लगा लेना है। तो गाइस, एक लाइक तो बनता ही है गाइस, आप लोग से शेयर करते रहती हूँ सभी वीडियोस, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बताना कैसा लगा आप लोग को ये लुक मेरा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट आप लोग से यही करते रहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करो, वो स्किप ना किया करो। और आप लोग सिर्फ रिक्वेस्टेड वीडियो ही इंटरेस्ट लेते हैं और बाकी ब्लॉग करती हूँ पर उसे आप लोग नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ उसे भी थोड़ा सा आप लोग वॉच करें, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है गाइस। हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अभी मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, मेरे पास जो स्केच आईलाइनर है, एक ही आईलाइनर है मेरे पास, तो उसी से मैं आईलाइनर को लगा लूँगी। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा पतला ही रखूँगी। और मैं काजल यूज़ नहीं करूँगी, जो मैंने सीमर वाला ब्लू वाला आई शैडो लगाया ना उसे ही मैं अपने नीचे काजल की जगह यूज़ करने वाली हूँ।
तो मुझे आई सेल्फ का ब्लू वाला है उसे ही मैं नीचे काजल की जगह पर लगा लूँगी, काजल नहीं यूज़ करके, तो इससे अच्छा लुक आएगा, तो इसलिए मैंने उसे ही लगा लिया है और काजल मैंने यूज़ नहीं किया है बिल्कुल। वैसे मैं काजल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मुझे काजल से के जगह आईलाइनर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आईलाइनर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप लोग देखते होंगे। अभी मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा, तो मस्कारे को मैं लगा लूँगी क्योंकि मैं बस फेक आईलाइनर सब यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं मस्कारा को लगा लिया। अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, तो लिपस्टिक सबसे पहले रेड कलर का लिप लाइनर जो कि ब्लू हेवन का ही है, तो लिप लाइनर से मैं लगा लूँगी। फिर मैं जो मेरा स्ट्रिक का जो लिपस्टिक है उसे मैं लगाने वाली हूँ जो लैक्मे का है, तो पिंक टाइप का ही कलर है, थोड़ा पीच कलर का ही है मेरा, तो मैं उसे ही लगा रही हूँ, मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है। अब आता है हाइलाइटर के बारे, तो हाइलाइटर मेरा रिवोल्यूशन का हाइलाइटर है, तो इसे मैं अभी नोज़ पे और लिप्स के पास जहाँ जहाँ पर गाइस आप लोग को हाइलाइटर करना है आप वहाँ पर लगा सकते हैं, आईब्रोज़ के पास। तो इससे क्या होता है ना, हाइलाइटर लगाएंगे तो आपको जो फेस है ना और अच्छा शाइनिंग करेगा और अच्छा लगेगा फेस, इसलिए मैं हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करती हूँ ना, आप भी ज़रूर यूज़ करना, तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाने के बाद। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही हाइलाइटर लगाने के बाद जो फेस पे जो शाइनिंग होता है ना बहुत अच्छे से लुक आता है। अब मैं ईयरिंग पहनने वाली हूँ, मेरे पास ईयरिंग थे ये वाले थोड़े से अलग टाइप के ईयरिंग है लंबा वाला, तो मैं इसे ही पहन रही हूँ। आप इसे ऐसे भी पहन सकते हैं या फिर पीछे आप बाल पे पिनअप करके भी लगा सकते हैं, अच्छा लुक आता है, कनौती बोलते हैं ना उस टाइप का, तो उसे भी आप लगा सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा। और अभी फिर मैं हेयर खोलने वाली हूँ, तो हेयर खोल के फिर पीछे जो लटकन है ना उसे मैं पीछे उसमें पिनअप कर लूँगी, तो इससे आप देखेंगे अच्छा सा लुक आ जाता है। और अभी मैं सिंदूर लगाना, जो रहने वाली दुल्हन है उसे तो अच्छे से थोड़ा सा अच्छा सिंदूर लगाएंगे ना बॉर्डर वाला तो अच्छा लगता है, क्योंकि लिक्विड सिंदूर में इतना मज़ा नहीं आता जितना जो सिंदूर अपना जो नेचुरल सिंदूर है बॉर्डर वाला वो लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं लगा लूँगी और फिर तो गाइस इस तरीके से मैंने हेयर को बना लिया है, अपना हेयर स्टाइल कर लिया है, और मैं हो गई थी यार। आप बताइए कैसा लगा ये लुक।